हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लेडीज सॉक्स लेके आई। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये टू कलर की वूल ली है। एक मैंने ऑरेंज लिया है, एक मैंने ब्लैक लिया। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और आज हम बनाएंगे थंब वाले सॉक्स 5 और 6 नंबर के लिए। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये डिजाइन वाली सॉक्स बनाएंगे। अंगूठे वाली सॉक्स है, 5 और 6 नंबर का एकदम परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारी सी है, इस तरह से बन के आई है। कहीं पर भी आपको इसका ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा। इतनी फिनिशिंग के साथ ये बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। 5 और 6 नंबर के लिए परफेक्ट साइज है। अगर आप 7 नंबर में बनाना चाहते हैं या 8 नंबर में बनाना चाहते हैं तो 2 से 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। और लेंथ के हिसाब से जो ये डबल कलर का डिजाइन बना हुआ है, यहाँ से आगे तक इसकी लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा तो बड़े साइज में बन जाएगा। और छोटे साइज में बनाना है तो छोटे साइज में आप बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये अंगूठे वाली सॉक्स बन के आई है। जितने देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। सॉक्स बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए, इसको हम बुनना शुरू करेंगे। 2 कलर की मैंने ये वूल ली है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 48 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं और थोड़े से ऐसे लूज डाले हैं, ज़्यादा टाइट फंदे मैंने नहीं डाले। इस तरह से फंदे डालिएगा, थोड़े से लूज, ताकि बुनने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे ये डिजाइन डला हुआ है, साइड में इस डिजाइन को डालेंगे 7 फंदों में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग की फर्स्ट रो है फंदे डलने के बाद। फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। 2 फंदे स्लिप किए, 3 फंदे सीधे बनाए, 1 फंदा फिर से स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, ये हमारे 7 फंदे हैं। अब लास्ट के 7 फंदे छोड़ के, 7 फंदे छोड़ देंगे काउंट करके और बीच के फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। तो इसको बीच के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। न्यू डिजाइन की बहुत ही आसान है बुनने में, जितने देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही इजी है। तो इस पूरी सिलाई को हम बुनते जाएंगे लास्ट के 7 फंदे रहने तक। तो देखिए, बीच के फंदों को मैंने सीधा बुन लिया। 7 फंदे हमने यहाँ पे बनाए, 2 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे किया, 3 फंदे सीधे बनाए, 1 फंदा स्लिप किया, 1 फंदा उल्टा बनाया और बीच के फंदे सीधे बनाए। लास्ट के फिर 7 फंदे देखिए कैसे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा स्लिप करेंगे। अब धागे को पीछे ही रखेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर ये 2 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे। टोटल 48 फंदे थे, फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब देखिए, फिर यहाँ से कैसे बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे स्लिप किए हैं, इनको हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, 1 2। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे यहाँ से सीधे थे तो यहाँ से भी इनको सीधा ही बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये स्लिप फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे,
धागा पीछे करेंगे। अब जो ये उल्टा फंदा है, यहाँ से उल्टा था, यहाँ से सीधा है, तो इसको यहाँ से सीधा बनाएंगे। दो चार छः सात, सात फंदे बन गए, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये बीच के फंदे सभी उल्टे बनाएंगे। ऐसे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करें। ये लास्ट के सात फंदे बचे हैं, तो देखिए धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये स्लिप फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब बीच के तीन फंदे सीधे बनाएंगे। ये बीच वाले तीन फंदे हर बार दोनों तरफ से सीधे ही बनते जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट के दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे। तो दो सिलाइयाँ हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब लगाएंगे यहाँ पर सेकंड कलर। तो सेकंड कलर को देखिए, यहाँ पर अब हम एक नोट लगा के ज्वाइंट करेंगे, ताकि ये लूज नहीं होगा। ऐसे नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दो नोट लगा दी हैं और धागे को ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए फिर से दो फंदे, स्टार्टिंग के सात फंदे देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे। अब जो ये तीन फंदे उल्टे नज़र आते हैं, इनको सीधा बनाएंगे और ब्लैक कलर से इनको बनाएंगे। यहाँ से सेकंड कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए ये एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे। अब जो ये उल्टा फंदा आपको नज़र आएगा, दो तीन पाँच और छः, सातवां फंदा उल्टा नज़र आएगा, इसको यहाँ से सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये बीच के सभी फंदे हम सीधे ही बनाते जाएंगे। ये स्टार्टिंग के सात फंदे आप डिजाइन के लिए रखिएगा और आगे के फंदे प्लेन बुनते जाएंगे। तो इसको सीधा सीधा बना के लास्ट में आए। देखिए बीच के फंदों को मैंने ब्लैक से बुन लिया। लास्ट के सात फंदे हैं, दो चार छः सात। तो देखिए जो ये आपको उल्टा फंदा नज़र आएगा यहाँ पर, इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब बीच के तीन फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। अब ये लास्ट के दो फंदे हैं, इनको स्लिप करेंगे ऐसे। अब यहीं से आएंगे रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए जो ये स्लिप फंदे किए थे, इनको यहाँ पर उल्टा बना लेंगे ब्लैक कलर से। आप कोई भी कलर लीजिए, किसी भी कलर में आप बनाइए। अब जो ये फंदे बीच में तीन हैं, इनको फिर से सीधा बनाएंगे। ये दोनों तरफ से बीच वाले तीन फंदे सीधे ही बनते जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये स्लिप फंदा है, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए छह फंदे बन चुके हैं, सातवां फंदा है, इसको धागा पीछे करेंगे और इसको भी सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये बीच के ब्लैक फंदे इनको बुन लेंगे। लास्ट के सात फंदे रहने तक इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए लास्ट के सात फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, सात फंदे हैं, इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब बीच के तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे लास्ट के उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए ऐसे आपका डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, दो सिलाइयाँ एक कलर से बनेंगी, दो एक से बनेंगी। ऐसे स्लिप कीजिए, फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे बेस कलर से, एक दो तीन। इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा, धागा अपनी तरफ, इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। दो तीन पाँच और दो सात, धागा पीछे करेंगे। अब फिर देखिए पूरी सिलाई को, लास्ट के सात फंदे रहने तक पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे डिजाइन डलता जाएगा।
तो अब आ गई हम लास्ट में। लास्ट में हमारे सात फंदे, 2, 4, 6, 7, ये उल्टा फंदा आपको नजर आएगा, इसको सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर बीच के तीन फंदे सीधे बनाएंगे। सिर्फ दोनों तरफ सात सात फंदे पर ध्यान रखिएगा, बीच की तो सिलाइयाँ हमारी सीधी बनती जाएंगी, ऐसे स्लिप करेंगे। तो ऐसे ये डिजाइन बनना शुरू हो गया। फिर बैक साइड से फिर से ऐसे ही करेंगे, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे जो सीधी तरफ से स्लिप किए थे, और जो ये सीधी तरफ से सीधे थे यहाँ से भी इनको सीधा ही बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसकी सोक्स है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। ये स्लिप फंदा है, इसको यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। तो ये सात फंदे हमारे डिजाइन के बन गए, धागा अपनी तरफ। अब पूरी सिलाई को उल्टा बनाते जाएंगे लास्ट के सात फंदे रहने तक। अब फिर आ गए लास्ट में, तो धागा पीछे करेंगे, सात फंदे हैं, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे स्लिप थे इनको उल्टा बनाएंगे, ऐसे इनको उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए राइट साइड में, तो देखिए इस तरह से आपका ये डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन्हीं सिलाइयों को आप जब बार बार रिपीट करेंगे, तो अब फिर देखिए फिर से ये दो फंदे स्लिप करेंगे, तीन बनाएंगे, ब्लैक कलर लगा लेंगे, दो सिलाइयाँ एक कलर की बनाएंगे और दो सिलाइयाँ एक कलर की। इस तरह से आपका ये देखिए ध्यान से डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब आप इसकी इसी तरह से इन्हीं दो दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे, तो आपका भी इसी तरह से डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा जैसे मैंने इसमें बनाया है। आप इसकी लेंथ बना लीजिए, मैंने ये लेंथ 5 से 6 नंबर के साइज की है। इनको अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 ब्लैक कलर लगे हैं और मेरी लेंथ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आपको इसको मेजर करके दिखाएंगे। आप जैसे पैर इस तरह से होता है, पैर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ तक इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ से आप लीजिएगा लेंथ और यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये उंगली की बनानी है और अंगूठे की, यहाँ तक आप इसको बुन लीजिए। तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको आगे दिखाऊंगी। 5 और 6 नंबर का साइज है। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं 7 नंबर में, तो 4 फंदे और ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने 48 डाले हैं, आप 52 फंदे डाल लीजिएगा। ये 7 फंदों का डिजाइन सेम ही रहेगा, बीच में 4 फंदे आपके बढ़ जाएंगे, और थोड़ी सी आप इसकी लेंथ बढ़ा लीजिएगा पैर के अकॉर्डिंग। तो इसकी लेंथ को मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके आगे अंगूठे और उंगली की किस तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए लेंथ हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। टोटल जैसे मैंने ये यहाँ तक 13 डिजाइन डाले हैं, 14वां डिजाइन हमारा सिलाई के ऊपर है। तो अब हमने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। देखिए जब हम इसको ऐसे रख के और इसको ऐसे रखेंगे तो हमारा यहाँ तक ये आएगा। अब हमने आगे का ये पार्ट हमने बनाना है, अंगूठे और उंगली का। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट पैर का साइज है और ये हमारा राइट का है। एक में अंगूठा इस साइड में बना है, दूसरे में इस साइड में। तो देखिए इस पार्ट को हम ऐसे उल्टा रखेंगे ऐसे। तो देखिए उल्टा रखने के बाद इस पार्ट को जैसे हम पैर को ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसका अंगूठा हमारा इस साइड में बनेगा और दूसरे पैर का हमारा इस साइड में बनेगा। तो इस पैर का जब हम ये सोक्स बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये उंगली वाला पार्ट बन के आएगा। यहाँ पर उंगली बनेगी और यहाँ पर अंगूठा बनेगा। पार्ट को उल्टा करके फिर आप बनाइएगा, बनाने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम 18 फंदे अंगूठे के छोड़ेंगे और यहाँ पर हम ये 30 फंदे उंगलियों के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पार्ट को उल्टा रखिए ध्यान से आप और फिर बनाइए। ये पार्ट जब मैंने बनाया था यहाँ पे, तो इसका यहाँ पर
ये हिस्सा बन के आया था हमारा उंगलियों वाला, और यहाँ पर हमारा अंगूठा बना था। अब इस पार्ट को हम बनाएंगे जब लेफ्ट वाले को, तो यहाँ पर हमारा उंगली वाला पार्ट बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अब हम सीधा करेंगे तो ये हिस्सा है जो उंगली वाला यहाँ पर सीधा आएगा। तो यहाँ पर हम 30 फंदे बुन लेंगे, 30 फंदे हम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ से मैंने जो ये ऑरेंज कलर है इसको मैंने यहाँ पर कट करके नोट लगा दी है। अब हम सिर्फ ब्लैक कलर से ही इसको बनाएंगे। 14 डिजाइन मैंने ये कंप्लीट किए हुए हैं, 13 डिजाइन नीचे हैं ब्लैक कलर के, और 14वां डिजाइन हमारा निडल के ऊपर है। तो यहाँ से हम ये 30 फंदे बनाएंगे। टोटल जितने फंदे आप डालेंगे उसके 18 फंदे आप अंगूठे के रख के और बाकी के फंदों में उंगली का पोर्शन तैयार करेंगे। तो देखिए ये 30 फंदे मैंने उंगली के लिए बुन लिए हैं। अब यहाँ पर अब हम एक मार्कर लगाएंगे। अब देखिए ये जो आगे फंदे हैं ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 फंदे हैं ये हमारे अंगूठे के लिए, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये सभी फंदे सीधे बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे 18 फंदे अंगूठे के बन गए मार्कर से आगे के। अब यहीं से ये जो 18 फंदे हैं इन्हीं फंदों की हम उल्टे सीधे बनाते हुए अंगूठे की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये लंबाई बनाई है 2 इंच की, तो इसको भी हम 2 इंच बना देंगे। ये 16 से 18 सिलाइयाँ बन के हमारी आएंगी, 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं और आगे 16 सिलाइयाँ हम इसकी और बनाएंगे। तो ऐसे ही उल्टा सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस बुटीज को, सॉक्स को बनाना सिखाया है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको आराम से बना लेगा। बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग बन के आई है। तो देखिए ये 18 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस मार्कर को निकाल देंगे और इन फंदों को हम छोड़ देंगे, इनको बुनेंगे नहीं, यहीं से ही टर्न करेंगे, फिर से इन्हीं 18 फंदों को बनाएंगे। इन्हीं 18 फंदों को बुन लेंगे। यही 18 फंदों की उल्टी सीधी सिलाई बनाते हुए 16 सिलाइयां हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। और आप अपने पैर के अंगूठे से मेजर करके फिर इसको बनाइएगा जितनी आपको लेंथ चाहिए इसकी। तो इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो देखिए अंगूठे की लेंथ हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फंदों की घटाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एक फंदा हम ऐसे ही सिंगल बनाएंगे, या इसको आप स्लिप कीजिए, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो इस तरह से फंदे हमारे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे बचे हैं। अब फिर देखिए क्या करेंगे, फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 फंदा बना लेंगे। ऐसे लास्ट के फंदे को सीधा उल्टा बुनेंगे।
अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए कैसे करेंगे, जो ये फर्स्ट फंदा है बचे हैं हमारे पास यहाँ पर सात फंदे, तो इस फर्स्ट फंदा है जो इसके ऊपर से ऐसे इन फंदों को गिराएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये छः फंदे इस तरह से इसके ऊपर से हम गिरा देंगे। अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको अच्छे से ऐसे खींच के और इसके अंदर से इस धागे को निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे, लूज नहीं रखेंगे, बहुत ही अच्छे से गोलाई में शेप बन के आएगी ऐसे। और जो ये धागा लंबा रखा है इससे इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये यहाँ पर अंगूठे की शेप बन के आ गई है। अब यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और ये उंगली वाले फंदे बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर, तो यहीं से ही हम धागा ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से धागे को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। और जो ये तीस फंदे हैं हमारे उंगली वाले, इनकी हम बुनाई अब यहाँ से करेंगे, इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, टाइट रखेंगे ऐसे, अंदर की तरफ इसको दबाते चलेंगे, इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे। अब देखिए इन सभी फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए ये सभी फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब आ जाइए इसके राइट साइड में। अब देखिए जो ये 30 फंदे हैं इन फंदों को हम बुनेंगे, इसकी 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक सिलाई हमारी बन चुकी है, एक पहले बनी हुई थी जो इस साइड में बुनते गए थे, एक अब हम बुनते आए हैं, दो बन गई। अब आगे इसकी 8 सिलाइयाँ और बनाएंगे, यानी टोटल 10 सिलाइयाँ, जो ये यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट है इसको बनाएंगे। फिर आगे हम इसकी आगे की घटाई करेंगे किस तरह से करेंगे। तो ये यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बन चुकी हैं, 8 सिलाइयाँ और बनाएंगे, फिर इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए इतना पार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम आगे इसकी घटाई करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ पे घटाई की हुई है, यहाँ तक का पार्ट हमारा बन चुका है, अब आगे घटाई करेंगे। देखिए इसकी घटाई हम कैसे करेंगे, तो टोटल ये 30 फंदे हमारे पास, जो सेंटर में 2 फंदे हैं उनका हम एक करेंगे, तो 14 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे और 14 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, बीच वाले फंदे का 2 का एक करेंगे। टोटल जितने भी फंदे हों आपके उनके हाफ कीजिएगा, जो सेंटर में 2 फंदे हैं उनका 2 का एक करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 14 फंदे बुन लिए। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सेंटर के 2 फंदे हैं, इन 2 का एक करेंगे आगे की साइड से ऐसे ऐसे 2 का एक करेंगे। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, और बैक साइड से फिर से पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए आएंगे, फिर सीधी तरफ आ जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया है, अब आ गए हम बैक साइड में। यहाँ से अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर कोई भी फंदा हम नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही पूरी को बुन लीजिए। तो ये बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया, अब आ गए हम सीधी तरफ। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 29 फंदे हैं,
तो हाफ फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, हाफ इस साइड में, जो बीच में सेंटर में जो ये दो का एक फंदा है यहाँ पर, इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और तीन का एक करेंगे। तो टोटल 29 फंदे हैं। 13 फंदे हम एक साइड बुनेंगे, 13 फंदे एक साइड बुनेंगे, जो बीच में तीन फंदे हैं सेंटर में उनका तीन का एक करेंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। 13 फंदे बुन लिए। अब देखिए, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, तेरह। अब जो ये तीन फंदे हैं इनका तीन का एक करेंगे। बीच में ये फंदा है जो हमने दो का एक किया था। अब यहाँ से स्टार्टिंग में एक बार दो का एक करेंगे, फिर आगे तीन का एक करते जाएंगे। तो ये यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके पीछे से सिलाई डाल के इसी के ऊपर वापस ले आएंगे। ऐसे जो बीच वाला फंदा है वो आगे आ जाएगा और बैक लूप से ऐसे तीन का एक करेंगे इस तरह से। फिर आगे के फंदे ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से इन फंदों को बुनेंगे, बैक साइड से फिर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फिर यहीं आके तीन का एक करेंगे। तो अब आ गए हैं हम सीधी तरफ। ये फंदा है जो हमारा, ये सेंटर में है जो हमने तीन का एक किया है। तो दोनों तरफ से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, तीन का एक करेंगे हर सीधी सिलाई में। दो बार फंदे मैंने घटा दिए हैं और तीन बार फंदे और घटाएंगे। तब तक घटाएंगे जब हमारे यहाँ पर 17 फंदे बच जाएंगे, तो हम इनको तब तक घटाते जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते जाएंगे और तीन का एक करेंगे सीधी साइड, बैक साइड में कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो इसके आगे की घटाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे करेंगे। तो देखिए, घटाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। टोटल हमारे पास दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, सत्रह, 17 फंदे हमारे पास टोटल बचे हैं। तो देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से दो का एक 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 करेंगे। ऐसे ही करते हुए पूरे सिलाई के सभी फंदों को हम दो का एक ऐसे करेंगे। लास्ट के ये दो फंदे हम ऐसे ही बना देंगे। तो अब देखिए, सीधी तरफ आएंगे तो इसको कैसे करेंगे, उल्टी तरफ आएंगे इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, जो फर्स्ट फंदा है इसके ऊपर से इन सभी फंदों को गिराएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। इन नौ फंदों को गिराएंगे और जो ये धागा है इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस धागे को इसके अंदर से निकाल के ऐसे इसको ऐसे टाइट खींचेंगे, इसकी ऐसे नोट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये घटाई कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आई है। और जो ये धागा लंबा काटा है इससे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, सीधा होने पर ये इस तरह से आ जाएगा ऐसे। अब इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, जो ये अंगूठे वाला धागा है इसको सुई में डाल लेंगे। तो देखिए, इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे ऐसे। ऐसे लेंगे, एक बार यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, एक बार यहाँ से डालेंगे, बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाएंगे इसके ऐसे। जो ये चैन आपको नजर आएगी यहाँ से, जो हमने स्लिप फंदा उतारा था उसके अंदर से ऐसे डालते जाएंगे।
फिर इसको ऐसे खींच लेंगे, ऐसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिल के आएगी। इसको यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे पूरे अंगूठे की। तो देखिए अब यहाँ पर कंप्लीट सिलाई अंगूठे की हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नोट लगाएंगे ऐसे और इसको ऐसे पक्का कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे धागे की ऐसे। अब अंगूठे की सिलाई हमारी हो चुकी है। अब करेंगे हम उंगली वाले पोर्शन के। तो जो ये धागा छोड़ा हुआ है इसी धागे को हम सुई के अंदर डाल लेंगे। पहले हम ऑरेंज धागा डालेंगे और जो बैक पार्ट की ये सिलाई है यहाँ से पीछे की तरफ से इसकी सिलाई करेंगे हम। तो देखिए इसको बराबर बराबर ऐसे मिला लेंगे, दोनों पार्ट को मिलाएंगे और इसकी ऑरेंज कलर से ही सिलाई करेंगे। इसको अंदर की तरफ करेंगे ऐसे और इसकी सीधी तरफ से ही हम ऐसे सिलाई करेंगे। यहाँ से सुई को डाल लेंगे, धागे को ऐसे अंदर की तरफ इसको कर लेंगे ऐसे, यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे ऐसे। अब इस पार्ट के अंदर हम सुई डाल लेंगे, इनको बराबर बराबर ऐसे मिलाएंगे, फिर एक बार यहाँ से सुई को डाल लेंगे, इस धागे को अंदर की तरफ लगाएंगे ऐसे, एक बार यहाँ से सुई डाल लेंगे, फिर दूसरे पार्ट से डाल लेंगे ऐसे। इसी तरह से सुई डालते हुए इसकी दोनों तरफ से अच्छे से इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, एक बार सुई को यहाँ से डाल लेंगे, बहुत बारीक बारीक टांके लगाएंगे इसके ताकि पता भी नहीं चलेगा इसकी सिलाई किस तरह से की हुई है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ही करते हुए इस पूरे पार्ट को हम सील लेंगे। अब यहाँ से सुई डालेंगे और सुई को अंदर की तरफ करेंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे इसकी खिंचाई करेंगे, यहाँ से फिनिशिंग आएगी ऐसे। यहाँ से अब इसकी एक नोट लगा के और फिर इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से नोट लगाएंगे और अब इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे डिजाइन के अंदर हमारा डिजाइन बन गया है। अब आगे हम इस धागे को सुई में डाल लेंगे और इसकी अब यहाँ से उंगली की सिलाई करेंगे। तो देखिए ऐसे इस पार्ट को सिल लेंगे, इसको सीधा ही रखेंगे ऐसे और दोनों तरफ से ऐसे जो ये किनारी वाला फंदा है इसके अंदर सुई डाल लेंगे ऐसे, एक बार दूसरी किनारी की तरफ ऐसे डाल लेंगे, एक बार इस तरफ डाल लेंगे, फिर से इस तरफ डाल लेंगे, ऐसे ही बारीक बारीकी से इसके सिलाई करेंगे ऐसे। इस धागे को फिर ऐसे खींच लेंगे इस तरह से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। इसको यहाँ तक ब्लैक को ब्लैक तक यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे इस पार्ट की, ऐसे इसकी सिलाई कीजिए। अब देखिए ब्लैक पार्ट तक हमारी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे इसको बीच के गैप को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। अब ये यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अंगूठे और उंगली के। अब देखिए जो ये बीच का पार्ट है अब इसको इतना रखेंगे जितना इसके अंदर पैर आराम से जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कई डिजाइन कितने डिजाइन सिले हैं इसके, ये ऑरेंज 1, 2, 3 और 4, चार ऑरेंज कलर मैंने इसके सिलाई की है। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे, चार डिजाइन तक। तो देखिए यहाँ से हम इस ब्लैक कलर के अंदर ही ये धागा डालेंगे, यहाँ से भी ब्लैक कलर के अंदर धागा डाल लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे डाल लेंगे
फिर यहाँ से डाल लेंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे और फिर यहाँ से डाल लेंगे। फिर इस धागे को ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये हमारे चार ऑरेंज कलर सिल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ धागे को करेंगे ऐसे और यहाँ पर इसके नॉट लगाएंगे, इसको पक्का कर लेंगे अंदर की तरफ ऐसे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई बन के आई है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे नॉट लगा के इसको पक्का करेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सॉक्स की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। चार डिजाइन मैंने सिलाई की है, आगे पैर रखने के लिए इतने पार्ट को मैंने खुला रखा है। तो देखिए दोनों सॉक्स हमारी ये बन के तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारी सी हमारी फिटिंग आई है, कोई आपको इसके अंदर ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी हमारी ये सॉक्स बन के तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, 5 और 6 नंबर के साइज़ की है, किसी भी साइज़ में आप बनाइए, सिर्फ ये फंदे डालें। इन फंदों का मेजरमेंट 2-4 फंदे कम ज़्यादा हो जाते हैं, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, बुटीज पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बुटीज सॉक्स कैसी लगी और आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।